हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 कल हमने सीक्वेंस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 9.2 का. टुडे वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 9 10th 11th 12th 13 14. ठीक है क्वेश्चन नंबर 9 देखो द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द टू एपीज. वैसे हमने 10th में भी करा हुआ है. द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द टू एपीज आर इन द रेशियो 5n+4 रेशियो 9n+4 9n+6 फाइंड द रेशियो ऑफ द 18th टर्म. हमें दो एपी के सम का रेशियो गिवन है. S1 upon S2 we have. इतना given है sum का 5n+4 और 9n+6. तो जो AP है दोनों AP की first term अलग होगी common difference अलग होगा. तो आ जाएगा n upon 2 n terms होता है n same रहेगा. n upon 2 a1 plus n minus 1 into d1 upon n upon 2 2a2 plus n minus 1 into t2 because to have 5n+4 upon 9n+6 n upon 2 sin upon 2 kya ho gaya cancel to I get 2a1 plus n minus 1 into d1 upon 2a2 plus n minus 1 into t2 because to kitna ho gaya 5n+4 upon 9n+6. How many dana to ratio nikalna hai ratio kaun si terms ka nikalna hai 17th term ka ratio nikalna hai to hume yahan pe kuch aisa put karna hai taki yahan pe a1 plus 17d रह जाएगा. 17 टर्म होगी a प्लस 18 टर्म है. 18 टर्म होगी a1 प्लस 17d अपॉन a2 प्लस 17d. मैं इसको इससे कंपैरिजन कर लेता लेकिन कंपैरिजन कर क्यों नहीं पा रहा हूं क्योंकि यहां पे 2a1 है यहां पे a1 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2a1 प्लस 17d अपॉन 2a2 प्लस 17d. दोनों की लेफ्ट हैंड साइड कंपैरिजन कर रहा हूं मैं ताकि मैं राइट साइड में आंसर दे सकूं. कितना आ जाएगा n माइनस वन यहाँ पे 34 आएगा ना सॉरी 30 n माइनस वन इक्वल टू कितना आ गया 34 तो n कितना आ गया 35. तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में n की वैल्यू 35 पुट करते हैं तो 17 टर्म का रेशियो आ जाएगा. पुट n इक्वल टू 35 पुट n इक्वल टू 35 कितना आ गया 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी वन 35 माइनस वन अपॉन 2a2 प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी टू इक्वल टू 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 6 क्या आ जाएगा 2a1 प्लस 34d1 अपॉन 2a2 प्लस 34d2 35 5 से कितना होता है 175 179 और 9 से कितना होता है 35 5 से 315 321. ऊपर से 2 का मान आ जाएगा तो लिखा a1 प्लस 17d1 अपॉन a2 प्लस 17d2 इक्वल्स टू कितना है 179 अपॉन 320. ये 17 टर्म का रेशियो है. क्लियर. देखो हमें दो एपी की सम का डिफरेंस रेशियो दे रखा है n upon 2 2a1 plus n1 minus 1 into d1 upon 2 n by 2 2a2 plus n minus 1 into d2 5n+4 upon 9n+6 था n by 2 side by 2 क्या हो गया कैंसिल. या गया 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 1 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 2 5n+4 upon 9n+6 हमें यहाँ पे आंसर लाना था 18 टर्म का रेशियो. तो 18 टर्म होती है a1 प्लस 17d1 हमें यहाँ पे 17 लाना है लेकिन यहाँ पे a1 लाना था ये लाना है. तो मैंने क्या किया पहले इसमें 2 की मल्टीप्लाई करी. अब 2 की मल्टीप्लाई करके देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड में a1 2a1 2a1 सेम है. कंपैरिजन करेंगे तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 34 आ गया. तो n की वैल्यू कितनी है 35. तो इस इक्वेशन में फर्स्ट में एन वैल्यू कितनी पुट कर दी 35 पुट कर दी. 35 पुट करोगे तो 2 जब कॉमन आएगा तो 17 टर्म आ जाएगा. अगर एन वैल्यू 35 रखी रेशियो तो ये 17 टर्म का क्या गया 18 टर्म का रेशियो आ गया. क्लियर. तो कंपैरिजन करने की वजह से मैंने इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि जब इसका स्टार्टिंग है 2a1 2a1 सेम है तो ये भी सेम होगा. तो n माइनस 1 इक्वल टू 34 एन की वैल्यू कितनी आ गई 35. 35 पुट करें 2 वापसी कॉमन निकाला तो दोबारा से 18 टर्म का रेशियो आया 179 अपॉन 320. क्लियर. आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर 9. ऐसे एक एग्जांपल भी दे रखा है एग्जांपल नंबर 6.
नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या कह रहा है, 10th भी ऑलमोस्ट हम 8 में कर चुके हैं, सॉरी 8th में 10th में कर चुके हैं टेस्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में कह रहा है इफ द सम ऑफ द पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म्स देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स। पी टर्म्स का सम क्यू टर्म्स के सम के इक्वल है, तो पी टर्म्स का सम कितना होगा, पी अपॉन टू 2a1 प्लस पी माइनस वन इंटू टी क्यू बाई टू 2a प्लस क्यू माइनस वन इंटू टी कह जाएगा आपका 2ap अपॉन टू प्लस के पी पी माइनस वन इंटू टी अपॉन टू 2aq अपॉन टू प्लस का q q माइनस वन इंटू टी अपॉन टू। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ गए ap माइनस का ए प्लस का p b अपॉन टू कॉमन आएगा इसमें से, यहाँ जाएगा p p माइनस वन इंटू डी अपॉन टू माइनस के q q माइनस वन इंटू डी अपॉन टू इक्वल्स टू जीरो। तो ऊपर से एक q को a कॉमन आएगा तो बचेगा अंदर p माइनस टू, ये आपका ए कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा पी माइनस टू डी बाई टू कॉमन आएगा, ये बचेगा आपका पी स्क्वायर माइनस के पी माइनस का क्यू स्क्वायर प्लस के प्लस टू जीरो। यहाँ के ए पी माइनस टू प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को लिखते हैं पी माइनस टू और पी प्लस टू, इन दोनों से माइनस वन कॉमन आएगा पी माइनस टू डी बाई टू p माइनस टू कॉमन आएगा ए पी माइनस टू प्लस पी माइनस टू कॉमन ब्रैकेट बचेगा p प्लस टू माइनस वन इंटू डी अपॉन टू कॉमन कितना आएगा p माइनस टू, क्या बचेगा अंदर ये a प्लस p प्लस टू माइनस वन इंटू डी अपॉन टू इक्वल्स टू जीरो। हमें दिखाना p प्लस टू टू एलसीएम ले लो एक काम होगा, तो ये p माइनस टू तो जीरो में चला जाएगा, ये आ गया आपका टू ए प्लस पी प्लस टू माइनस वन इंटू डी अपॉन टू प्लस वन जीरो, तो आ गया टू ए प्लस पी प्लस टू माइनस वन इंटू डी प्लस टू, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया। फिर p टर्म्स का सम रखा p बाई टू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी क्यू बाई टू टू ए क्यू माइनस वन इंटू डी, बल्कि यहाँ पर टू से टू कैंसिल भी हो जाता है, फिर टू रहता ही नहीं, टू से टू कट कैंसिल हो जाएगा, फिर टू अपॉन टू आएगा नहीं, यहाँ ए पी यहाँ भी टू हट जाएगा, रह जाएगा ए पी माइनस ए क्यू पी पी माइनस वन इंटू डी क्यू क्यू माइनस वन इंटू डी, फिर आ जाएगा ए पी माइनस टू डी कॉमन निकाला पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर प्लस टू, इसमें ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ए प्लस बी ए प्लस बी माइनस का वन कॉमन होगा पी माइनस टू, फिर आ जाएगा ए पी माइनस टू कॉमन आएगा पी प्लस टू माइनस वन इंटू डी p माइनस टू कॉमन आया ए प्लस पी प्लस टू माइनस वन इंटू डी, तो अल्टीमेटली आ गया आपके पास a प्लस पी प्लस टू माइनस वन इंटू डी प्लस टू जीरो। क्लियर है तक, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2a आता है, यहाँ पे 2a था ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान। अब p प्लस टू टर्म्स का सम कितना होगा, एस पी प्लस टू इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन टू टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी पी प्लस क्यू अपॉन टू टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी टू ए पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी की जगह लिख सकते हैं जीरो, इसकी जगह जीरो जाएगा पी प्लस क्यू अपॉन टू इंटू जीरो जीरो पॉइंट टू समथिंग कितना फिर p टर्म्स का सम q टर्म्स का सम के इक्वल था, p टर्म्स का सम को q टर्म्स का सम के इक्वल लग दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया 2ap pp माइनस 1 * d 2aq qq माइनस 1 * d 2 कॉमन ap माइनस aq प्लस का pp माइनस 1 * d माइनस का qq माइनस 1 * d 2a कॉमन p माइनस 2 d कॉमन p स्क्वायर माइनस के p माइनस के q स्क्वायर प्लस 2 2ap माइनस 2 p माइनस 2 p प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लिया p माइनस 2 यहां p माइनस 2 आ गया p प्लस q माइनस 1
यहां अगर 2a p माइनस q को हम बनाएंगे 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इनटू d, 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इनटू d को क्या लिखेंगे 0। अब सम निकालना था, सम होता है p प्लस q बाय 2, 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इनटू d, ये देखो माइनस की जगह क्या लिख प्रूफ कर रखा 0, तो p प्लस q अपॉन 2 इनटू 0 कितना आंसर आ गया 0, तो p प्लस q टर्म्स का सम कितना आ गया 0। क्लियर, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 10। 11 पे हमारा 10th क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारे इसमें थे क्वेश्चन सारे। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इलेवेंथ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम ऑफ द पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन एपीआर ए बी सी रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट ए अपॉन दिस, ए अपॉन पी क्यू माइनस आर, b upon q r minus p plus c upon r p minus q, p terms का सम a है, तो सम का फॉर्मूला होता है sn equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d, p terms का सम कितना है a, तो याद रखना a equals to p upon 2 2a plus p minus 1 into d, p terms का सम a है, तो हमने सम के लिए तो a लिख दिया p by 2 2a plus p minus 1, इसमें आ रहा है a upon p into q minus 1, देखो p नीचे आ जाएगा, याद रखना a upon p 2a upon 2 plus p minus 1 into d upon 2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें किसके q minus r, याद रखना a upon p मल्टीप्लाई बाय q minus r, मल्टीप्लाई बाय q minus r, याद रखना a upon p into q minus r a into q minus r plus p p minus 1 into q minus r into d upon 2, clear, यहाँ गया a upon p into q minus r a into q minus r plus p p minus 1 into q minus r into d upon 2, ये equation number first था, b terms का sum कितना है q है, तो यहाँ पे इसके जगह p आएगा यहाँ q आएगा, सिमिलरली मल्टीप्लाई करेंगे तो सिमिलरली लिखाऊंगा, b टर्म्स का सम जब कितना आएगा q आएगा, तो कितना आ जाएगा q अपॉन b अपॉन q, मल्टीप्लाई करेंगे कितने की r माइनस p की, r माइनस p a r माइनस p प्लस कितना होगा q q माइनस 1 r माइनस p इंटू d अपॉन 2, वही क्वेश्चन नंबर क्या आएगा आपकी सेकेंड। सिमिलरली आर टर्म का सम कितना है, आर टर्म का सम सी है, उसमें मल्टीप्लाई कितने करेंगे पी माइनस क्यू, तो याद रहेगा सी अपॉन आर पी माइनस क्यू ए पी माइनस क्यू प्लस आर आर माइनस वन पी माइनस क्यू इंटू डी अपॉन टू, क्वेश्चन नंबर क्या लिख सकता है, सिमिलरली लिखो अगर आपको प्रूफ करना था प्रूफ कर सकते हो ऐसे। अब देखो इसे ऐड कर दो, एट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, एट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा ए अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन क्यू सी अपॉन आर पी माइनस, तो लेफ्ट हैंड साइड तो अगर राइट हैंड साइड में हमें जीरो लाना, तो ए आ जाएगा ब्रैकेट पे कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ से ए कॉमन निकाल दिया तो बचेगा अंदर पी माइनस क्यू प्लस सॉरी क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस, ये जीरो आ जाएगा। उसके बाद इधर से डी बाई टू कॉमन आएगा, अंदर जितने भी टर्म्स होंगे सबकी मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपका जीरो आ जाएगा। यहाँ पे पी बाई टू नीचे आ गया था ना, यहाँ पी नहीं आएगा,
ये p नीचे आ जाता है मेरा p माइनस 1 इनटू 2 तो इस तरीके से यहां 2 आएगा यहां आ गया d / 2 कॉमन निकालेंगे तो कितना आएगा p * q p q माइनस के p r माइनस के q plus r ऐसे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कितना रहेगा q r माइनस के p q माइनस के आर प्लस पी क्यू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आर पी आर माइनस के आर क्यू माइनस के पी प्लस पी सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी क्यू से क्यू कैंसिल पी से पी कैंसिल आर से आर कैंसिल पी क्यू से पी क्यू कैंसिल पी आर से पी आर कैंसिल क्यू से क्यू कैंसिल आर से आर कैंसिल क्यू आर से क्यू आर कैंसिल पी से पी कुल मिला के सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी आपकी तो आंसर कितना आ जाएगा इसमें जीरो आ जाएगा तो आपका आंसर कितना आ गया एफ ऑन पी क्यू माइनस आर प्लस बी एफ ऑन क्यू आर माइनस पी प्लस सी एफ ऑन आर पी माइनस क्यू इक्वल्स टू जीरो सारी टर्म आपको कैंसिल हो जाएंगी तो अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड बचेगी राइट हैंड साइड में जीरो आ जाएगा n टर्म्स का सम ये होता है p टर्म का सम ये था तो a इक्वल्स टू p / 2 2a + p - 1 इनटू d मैंने क्या करा p नीचे ले आया a / p 2a a / 2 p - 1 इनटू d / 2 q - r से मल्टीप्लाई कर दी a / p इनटू q - r a q - r p - 1 इनटू q - r d / 2 सिमिलरली b टर्म्स का सम कितना था q q टर्म्स का सम b था तो याद रखा b / q q r - p सिमिलरली उसी के हिसाब से फिर थर्ड तीनों को ऐड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड तो बची राइट हैंड साइड में a कॉमन निकाल लिया ये जीरो हो गया d / 2 कॉमन निकाला उसको मल्टीप्लाई करके सारा जीरो हो गया तो प्रूफ हो गया रिसीवर क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 12 करें क्वेश्चन नंबर 12 तो सिंपली वैसे ऊपर दिया है क्वेश्चन की जैसे क्वेश्चन हमें जो रखा है कि द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द एम टर्म्स एंड एन टर्म्स ऑफ एपी इज एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एम टर्म्स का सम और एन टर्म्स का सम एस एम अपॉन एस एम एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एम टर्म्स का सम होगा एम बाई टू टू ए वन प्लस एम माइनस वन इंटू डी वन एन बाई टू टू ए वन एन माइनस वन इंटू डी वन ए टू डी टू कितना है एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर एम टर्म्स का सम दे रखा है और एम टर्म्स के सम का रेशियो दे रखा है कितना एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर एम से एम क्या हो जाएगा कैंसिल टू से टू कैंसिल हो जाएगा ए टू से टू कैंसिल हो गया एम से एम कैंसिल एम से एन तो आ गया टू ए वन प्लस एम माइनस वन इंटू डी वन टू ए टू प्लस एम माइनस वन इंटू डी टू इक्वल्स टू कितना है एम अपॉन एन अब इसमें कंपैरिजन किया जाएगा बहुत डिफरेंस बहुत सोच समझ के हमें रेशियो किसका निकालना है हमें रेशियो निकालना है शो दैट इट्स एम एट और एम एट एन एट टर्म का रेशियो इतना है एम एट टर्म होगी कितनी ए वन प्लस एम माइनस वन इंटू डी और ये कितनी होगी ए टू प्लस एम माइनस वन इंटू डी अब देखो कंपैरिजन करना है यहाँ टू ए वन है यहाँ ए वन है तो मल्टीप्लाई करो टू की टू ए वन प्लस का टू एम माइनस के टू डी वन अपॉन टू ए टू प्लस टू एम माइनस के टू इंटू डी टू ए वन तो टू ए वन सेम हो गया टू ए टू सेम हो गया यहाँ पे एम माइनस वन है यहाँ पे टू एम माइनस टू है तो हम एम माइनस वन में कितना ऐड करेंगे वो टू एम माइनस टू हो जाए भाई m माइनस वन में आप कितना और ऐड करोगे 2m माइनस टू हो जाए कितना ऐड करोगे m और माइनस वन तो m माइनस वन ऐड करोगे ना तो मैं अगर फर्स्ट और सेकंड को कंपेरिजन करता हूँ यहाँ पे m की जगह m माइनस वन और ऐड करता हूँ तो 2m माइनस वन हो जाएगा फिर मिला के आ जाएगा आपका 2a1
प्लस का 2m माइनस के 2 d1 अपॉन कितना आएगा 2a2 प्लस के 2n माइनस के 2 d2 इक्वल्स टू आ जाएगा 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मैंने m की जगह यहां पे m रिप्लेस करा दिया 2m माइनस 1 और ऐड कर दिया इधर भी 2m माइनस 1 इधर भी 2m माइनस 1 2m माइनस 1 2m m माइनस 1 और ऐड किया क्या आ गया आपका a1 प्लस m माइनस 1 * d1 अपॉन e2 प्लस m माइनस 1 * d2 इक्वल्स टू कितना आ गया 2m माइनस 1 अपॉन 2m माइनस 1। देखो बहुत ध्यान से समझने की चीज, यहां पे मुझे इसको कंपैरिजन करना था इसको और इसको, 2a1 तो सेम है 2a1 सेम है, यहां पे m माइनस 1 है यहां पे 2m माइनस 2 है, तो m माइनस 1 2m माइनस 2 कैसे बनेगा, एक m और ऐड करें और एक माइनस 1 और ऐड करें, तो m माइनस 1 ऐड करना था तो मैंने इधर m माइनस 1 ऐड किया तो 2m माइनस 2 हो गया, ये भी 2m माइनस 1 हो गया, लेकिन इधर भी तो होगा तो m की जगह तो कितना आ गया 2m माइनस m की जगह m माइनस 1 और ऐड करूंगा तो m प्लस m माइनस 1 कितना हो गया 2m माइनस 1 ये 2m आंसर। क्या आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया आज कंप्लीट 9 10 11 12 In the next video, we will start from question number 13. Clear? Thank you.